रियाज अहमद जरगर, सरपंच पंचायत हल्का त्रोन। अपनी पंचायत के आवाम खसूसन मोहम्मद रफ़ी पढ़े, सनाफ लेट मोहम्मद इकबाल पढ़े, साकना त्रोन बोंकारा। जो आज मोहम्मद रफ़ी ने गलत रास्ता पकड़ के जो इख्तियार किया है, उसने उसने गवर्नमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का जो सामान लिया है और भाग भाग गया है, मेरी गुजारिश है उससे कि वो जहाँ पे भी है, मेरा मैसेज वो सुने, वो हमसे राबता करे, वो वापस आए। पुरजोर हमारी अपील है, गुजारिश है अवाम त्रोन की तरफ से, क्योंकि हमारा त्रोन इस वक्त परेशानी में है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी साहब, पूरा डिपार्टमेंट इस वक्त परेशानी में है। लिहाजा हम मोहम्मद रफ़ी से एक गुजारिश करेंगे कि वो वापस आए, वो हमारे साथ राबता करे, उसने जो सामान लिया है वो वापस करे, उसके बाद उसको हम बाइज्जत अपने घर बच्चों के पास पहुँचाएँ। लिहाजा वो ये भी मद्देनज़र रखे कि उसको एक बेवा माँ अपने घर में है, उसके बाद तीन बच्चे हैं उसको, वो घर में बीवी है, उसका ये हक नहीं इस वक्त बनता है वो गलत रास्ता इख्तियार करें। अगर बच्चे ना होते या माँ घर पे नहीं होती तो फिर वो कुछ भी करता तो वो हमें उससे नहीं था। लिहाजा उसके उसके बच्चे बीवी घर में है, माँ घर में है, मेरी गुजारिश है तमाम आवाम की तरफ से, हम उसको गुजारिश करते हैं कि वो घर आ जाए वापस और सामान जमा करें, उसके बाद हम उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाएंगे। इसी बीच में अगर उसको कोई भी परेशानी है, जिस भी मुतालिक उसको कोई परेशानी है, लिहाजा वो हम परेशानी उसकी हल करेंगे। मैं बहसते सरपंच उससे गुजारिश करता हूँ वो वापस आए, वो हमारे साथ रबता करें, एसएसपी साहब से रबता करें, एएसपी भद्रवा साहब भद्रवा है, डीएसपी साहब भद्रवा है, हमारा लोकल जो यहाँ पे शबीर बिटा जिसको शाह बोलते हैं, उसके साथ रबता करें और वो वापस आए, इनका सामान वापस करे, उसके बाद उसके बारे में हम उसको किसी न किसी नौकरी में कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करेंगे और बाइज्जत अपने घर अपने बच्चों के पास पहुंचाएंगे। शुक्रिया।